बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्लानशिप इस्टीमेशन सॉफ्टवेयर में आपको वेलकम है। आज का हमारा बेसिक लेक्चर है पीडीएफ फाइल्स को इंपोर्ट करना प्लानशिप सॉफ्टवेयर में। तो आज उसका तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पीडीएफ फाइल्स किस तरह इंपोर्ट करते हैं प्लानशिप सॉफ्टवेयर में। तो मेरे पास यहाँ पर पीडीएफ फाइल्स पड़े हुए, ये मेरे पास पीडीएफ फाइल है, ठीक है, वर्किंग ड्राइंग्स के नाम पर। तो मैं इसको कैसे इंपोर्ट करता हूँ प्लानशिप सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आने है न्यू में, आपने यहाँ पर एंटर करना है जस्ट ये प्रोजेक्ट हमारे पास जो है ये इस्टीमेशन का है। तो आपने लिखना है कास्टिंग इस्टीमेशन, मतलब ये यहाँ पर मैं इस्टीमेट ई एंड सी, ठीक है, जो मैं और या डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा नाम लिखना है। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन इस्टीमेशन एंड कास्टिंग, बाकी आपने किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना। नेक्स्ट, हमारे पास वो पीडीएफ का फाइल पड़ा हुआ था, फोल्डर का नाम था लॉन्चिप पीडीएफ फाइल्स। यहाँ पर क्लिक करना है, मार्क करना है। मार्क करने के बाद इस निशान एरो के ऊपर क्लिक करना है। अभी हमारे पास ये पीडीएफ फाइल है वर्किंग ड्राइंग के नाम पर। नेक्स्ट, बाकी किसी चीज़ को जो है ना डिस्टर्ब नहीं करना। नेक्स्ट करना है, यहाँ पर आप अटैच द फाइल इन टू दिस जॉब, जो फाइल हमने पीडीएफ में कन्वर्ट किए हैं उसके साथ आपने जो कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। अब ये हमारे पास इम्पोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये पीडीएफ फाइल्स इंपोर्ट हो गए प्लानशिप सॉफ्टवेयर में। आप यहाँ देख सकते हैं इस विंडो में, यहाँ पर डिस्टा पर जो फाइल था उसका नाम था प्लानशिप पीडीएफ फाइल्स, 39 पेजेस है, ठीक है। एक ही नाम जिस टाइम मैंने स्टिपल किए थे उस टाइम मैंने उस फाइल का नाम दिया वर्किंग ड्राइंग्स। तो यहाँ पर सारे फाइल्स जो है ना वर्किंग ड्राइंग के नाम पर है। तो इन सारे फाइल्स को मैं अलग अलग अपना अपना नाम दूँगा। तो ये हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स है। इस लिस्ट के मुताबिक मैं ड्राइंग को जो है ना रीनेम कर दूंगा इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, ठीक है, पीडीएफ फाइल को प्लानशिप सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो उसका तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।